गुड मॉर्निंग दोस्तों, बहुत जल्दी मैं गुड मॉर्निंग बोल रहा हूँ आप लोग को। एक्चुअली ये गुड आफ्टरनून का टाइम है। हमेशा की तरह हम लोग लेट उठे, ठीक है। रात को हम लोग पहुँच चुके थे यहाँ पे, करीब 12 बजे के आसपास में हम लोग गोवा पहुँच गए थे। तो रात को मैंने ब्लॉग बनाया नहीं, एंड नहीं किया मैंने। तो रात को मैं हम लोग खाना वगैरह खा के हम लोग सो गए। तो अभी गोवा में मेरा एक फ्रेंड है, तो वहाँ हम लोगों ने वहाँ स्टे किया। तो अभी यहाँ से हम लोग वास्को डी गामा जा रहे हैं। वास्को डी गामा यहाँ से करीब 15 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जो करीब मेरे ख्याल से 20 मिनट में पहुँच जाएंगे। दो दिन का प्लान है गोवा का, ठीक है। उसके बाद यहाँ से जो है ना कर्नाटक की तरफ मैं निकल जाऊँगा। दोस्तों, तो फिलहाल अभी हम लोग पंजीम से 15 किलोमीटर दूर है, और मैं आपको इसलिए एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। जो आप मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ना, ये ब्रिज, ये जुआड़ी ब्रिज इसको बोलते हैं। अभी हाल फिलहाल में बना है, दो दिन पहले इसका इनॉग्रेशन हुआ है। तो अगर आप वास्को की तरफ जाएंगे ना, तो आपको ये ब्रिज जो है ना करना पड़ेगा। और एक और चीज़ बताऊँ, ये ब्रिज को देखने के बाद मुझे अपने मुंबई का जो है ना बांद्रा वर्ली सीलिंग याद आ गया, ठीक है। तो वो भी एज इट इज़ ऑलमोस्ट ऐसा ही बना हुआ, थोड़ा अलग रहेगा बट ऑलमोस्ट ऐसा ही बना हुआ। मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है, और बहुत क्वालिटी वाला बना है। ये सब जो देख रहा हूँ ना, एकदम बहुत लंबा ये सालों तक चलेगा ऐसा देख के मुझे लग रहा है। लेकिन एक ही है, अभी मुझे भी लगता है अभी भी इसका काम बाकी है। बड़े बड़े हैवी व्हीकल जब जा रहे हैं, थोड़ा सा ये ब्रिज ऐसा शेक हो रहा है। तो वो चीज़ थोड़ा और पता नहीं, वो लोग इंजीनियर लोग काम करेंगे तो मेरे को लगता है और ये अच्छा हो जाएगा। बाकी तो बहुत बढ़िया है, ये बहुत डेवलप होने वाला है, इतना तो गारंटी है। शायद वो बंद भी हो जाएगा आगे जाके, और सिर्फ ये चालू रहेगा मुझे सर। वो आप देख रहे हो ना, तो अभी भी जो है ना ब्रिज का काम चल रहा है। तो जो आप जो बोल रहे हैं, सलेश ने जैसे बताया ना कि थोड़ा सा एक कंपनी हो रहा है सर, थोड़ा सा, तो वो शायद हो सकता है थोड़ा सा में हो। वो भी नॉर्मल व्हीकल्स में नहीं हो रहा है, ऐसे हैवी व्हीकल्स से ट्रक वगैरह है ना, अब ट्रक जाती है ना यहाँ से, तो ऐसा फील होता है कि थोड़ा सा शेकी शेकी वो ऐसा होता है, ठीक है। तो चलिए निकलते हैं, एक्चुअली यहाँ पर धूप बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, ये सामने आप देख रहे हैं ना, ये आपको गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। पर एक बात बताओ, गोवा के जो रास्ते हैं ना, एक गड्ढा को नहीं मिलेगा, इतना बढ़िया रास्ता है गोवा का। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया होगा कि अभी हम लोग वास्को की तरफ जा रहे हैं। हम लोग वास्को गए, वहाँ से हम लोग अभी वापस आ रहे हैं। रास्ते मुझे ये दिखा, ये ना ये ब्रिज दिखा हमें रास्ते में, और ऐसा क्यों लग रहा है कि एवेंडर ब्रिज है यार। इस ब्रिज पे कोई नहीं है यार, मैं हेलमेट पहन के क्यों बना रहा हूँ यार, एक सेकंड ना। पर ऐसा लग रहा कोई है, आता नहीं होगा मेरे ख्याल से। और लास्ट में एक ओल्ड चर्च लग रहा है, पुराना चर्च है, और यहाँ पे डेड एंड है, रास्ता यहाँ पे एंड हो जाता है। धूप इतनी ज़्यादा है ना, तो धूप में आपको पता है चेहरा पता नहीं कैसा दिखता होगा। और धूप बहुत ज़्यादा है, तो एक घंटे के बाद ही शाम का जो है ना प्रोग्राम होगा, जो भी जहाँ घूमना रहेगा। और कल सुबह दूसरागर की तरफ जाएंगे, तो कल वाला वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग। तो सामने एक ब्रिज दिख रहा है,
तो दोस्तों, तो फिलहाल हम लोग डोनापोला पहुँच गए हैं। सरेश कैसा लग रहा है यहाँ का एनवायरनमेंट, कैसा लग रहा है? क्योंकि ये जब हम लोग आए थे ना, तो सामने का स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाता हूँ, ये तभी नहीं बना था इस तरह, अंडर कंस्ट्रक्शन था, अभी ये बन गया इस तरीके से। तो अभी बताओ कुछ कहना है, कैसा लग रहा है? बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये एकदम। लेकिन अच्छा दुकान बना दिया क्या ये सब जो बन किया दिखा? ये पहले नहीं था, ये जो है ना जब मैं था आज से 4 साल पहले 19 में, तभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन था, बना नहीं था। ये कितनी सारी भीड़ है यहाँ पे, कितने सारे लोग आते हैं पोल में जो है बहुत ज़्यादा क्राउड है, इसलिए मैं सोचा कल सुबह अर्ली मॉर्निंग आऊँगा वहाँ पे फिर बनाऊँगा। तो यहाँ से कहाँ जा रहे हैं हम लोग? अभी कहाँ जाएंगे? अभी सेंट कैथेड्रल चर्च। सेंट कैथेड्रल चर्च, चलो मिल लो फिर। सामने से दिखेगा तो हम लोग पहुंच चुके हैं सेंट कैथेड्रल चर्च। इस चर्च को बनाने में करीब 80 साल लगे। ये चर्च 15वीं शताब्दी का है, और ऐसा कहा जाता है कि इस चर्च के बारे में सलेस थोड़ा सा बताओ क्या है। मुझे तो यही मालूम है कि 80 साल पुराना चर्च है और ये एशिया का सबसे बड़ा चर्च है। 80 साल लगे इसको बनाने में। अच्छा सॉरी, 80 साल मैंने उल्टा बोल दिया, करेक्ट कर लेना। इस चर्च को बनाने में 80 साल लगे और और ये बहुत सबसे एशिया का सबसे बड़ा चर्च है, मुझे तो यही पता है जितना मुझे पता है। और क्या पता है? ये चर्च चूँकि अभी बंद हो गया है, तो हम लोग को अभी वापस जाना पड़ेगा। तो फिलहाल अभी हम लोग ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाएंगे आपको, क्योंकि चर्च बंद हो चुका है ऑलमोस्ट। ठीक है, बाहर भी कैंपस आप ये देखिए, पूरा अंधेरा हो चुका है। तो फिलहाल अभी यहाँ से हम लोग वीडियो को एंड करते हैं। और ये पीछे अभी चर्च देख रहे हैं, वो भी हम लोग बहुत पहले आए थे, 2019 में हम लोग आए थे। ठीक है, आज से 4 साल पहले। तो हम लोगों ने पूरा मतलब फ़ोटो नहीं करा था, शूट नहीं किया था, तो इस बार आए हम लोग लेट हो गए। तो देखता हूँ कल प्लान होता है तो आऊँगा, नहीं तो फिर वीडियो जैसा लगा बताइएगा कमेंट करके, और वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। चलिए बाय।